पिलाऊंगा, पांव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। उसने हाथ जोड़े प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है, आप फिर आ गए? कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास। सारी तुझी पद में लिख गई है, ये क्या है? अब आप सोचो इतना अमीर क्यों नहीं था, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर दिलो दिमाग देखते हैं, कौन उसके लिए तड़पता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोली अपने रहने पर उसे माला मार कर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचिए, आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में, किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो, कोई भक्त आगे निकल गया पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाए, यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे अपनी, उसी का सोच सोच के। कहां तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा, क्यों क्या होना है? अल्लाह तो कणकण में, राम तो कणकण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारे उसी को दे रहा है, जो भक्त आगे निकल रहा है, वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल फल। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र बनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था, और मुझ पर रहमत कर मैं भी तेरे काबिल बनूं, देयर सो। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल के कई कहते कल की गोदरी से बेच, पंजाबी में कहा कल ही चल के भूत बढ़ के आया, और पूरे शमशानों में कहता माता शमशान भूमि मेरी, हमको कब के पुराने भूत बैठे, पुराना बनाना समझ गए होंगे। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर घमंड है मैं पुराना हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया, ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का। अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे, और अगर आप अहंकार में घमंड में चूर और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए, आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाए, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं, मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानी से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए, और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी, और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा, फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ जी, एक बताले मेरा
माला पकड़ो, माला पकड़ो, ऐसे इधर देखिए, उधर हट जाओ यहाँ, पीछे बैठ जाओ सारे। संजय ईसा, तनोज बूचा सिंह निवासी सबदलपुर जिला सहारनपुर, लड़की है सुमन ईसा, डॉक्टर राम कुमार ईसा निवासी संत नगर नुमाइश के जिला सहारनपुर से, लड़की इसी जन्म में नाम गया ना।
बनता है।